फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है नया तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कि नेहा कक्कड़ की कौन सी वीडियो मचा रही है धमाल। क्या राखी सावंत बिग बॉस के घर में अपने पति की चिट्ठी फाड़ देंगी? कब करीना बनने वाली है माँ? गुत्थी के फैंस के लिए एक बार फिर आई बुरी खबर। यशराज फिल्म्स ने कौन सी पांच बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट का कर दिया है ऐलान? तो चलिए फिर देर किस बात की करते हैं शुरुआत। बॉलीवुड की सेल्फी क्वीन यानी कि फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ न सिर्फ अपने गानों बल्कि अपने स्टाइल को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। नेहा के गाने रिलीज होते ही खूब धमाल मचवाने लगते हैं। वहीं रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी के बाद नेहा लगातार चर्चा में बनी हुई है। शादी के बाद नेहा और रोहन की कई रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो भी आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। वहीं फिर से एक बार इस क्यूट जोड़ी को एक साथ देखने के लिए फैंस भी हमेशा बेताब रहते हैं। इसी बीच नेहा और रोहनप्रीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इन दोनों के अलावा नेहा के भाई टोनी कक्कड़ भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान सभी काफी मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सभी डीजे पर टोनी के फेमस सॉन्ग बूटी शेक पर डांस करते नजर आए। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 तेजी के साथ अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब इस हर रोज बिग बॉस के घर में नए ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत के ड्रामे घर के अंदर भी जारी हैं। राखी को लेकर रोजाना कोई ना कोई नया बवाल देखने को मिलता है। वहीं राखी शो में भी अपनी शादी और पति रितेश को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन अब बिग बॉस के घर में एक दिलचस्प टास्क होने वाला है। इस टास्क के दौरान राखी ने पति रितेश से अपनी शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, टास्क ये है कि कंटेस्टेंट एक विश मांगकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस टास्क में ट्विस्ट ये है कि सभी को एक दूसरे के लिए किसी एक खास चीज को त्यागना पड़ेगा। वहीं चैनल ने एक प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में राखी अपने हाथ में एक चिट्ठी लिए नजर आ रही हैं। ये वही चिट्ठी है जो उनके पति रितेश ने उन्हें क्रिसमस पर भेजी थी। वहीं कंटेस्टेंट अली गोनी बिग बॉस की एक चिट्ठी पढ़कर सभी कंटेस्टेंट को बता रहे हैं कि राखी को रितेश की चिट्ठी फाड़नी होगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या राखी पति की चिट्ठी फाड़ती हैं या नहीं। अभिनेत्री करीना कपूर खान अब किसी भी वक्त अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। उनके घर पर उनके करीबी लोग लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। आज सुबह सुबह करीना कपूर की मां बबीता कपूर और बहन करिश्मा कपूर भी सुबह सुबह उनके घर पहुंची और उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि करीना कपूर की डिलीवरी डेट 15 फरवरी ही थी। ऐसे में अब 2 दिन ज्यादा हो चुके हैं और उनकी डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है। सोनी टीवी के सबसे बड़े कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो को लेकर हाल ही में गुड न्यूज सामने आई थी। खबर आई थी कि कपिल के शो में उनके दोस्त और पुराने साथी सुनील ग्रोवर फिर से वापसी कर सकते हैं। सुनील की वापसी की खबर से फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। जाहिर है कॉमेडियन को कपिल के साथ फिर से एक मंच पर देखने के लिए हर कोई बेताब है। लेकिन शो से जुड़ी अब एक नई खबर सामने आई है। ये एक नई खबर आपका दिल फिर से तोड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो में वापस नहीं आने वाले हैं और ना ही सलमान खान ने उन्हें फोन किया है। इन दिनों बॉलीवुड की कई फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच यशराज फिल्म्स ने अपनी 5 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है, जिसमें बंटी और बबली 2, जयेश भाई जोरदार, पृथ्वीराज, संदीप और पिंकी फरार और शमशेर के नाम शामिल हैं। बता दें कि ये 5ों फिल्म बड़े बजट की हैं। यशराज फिल्म्स ने एक ट्वीट करते हुए इन फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा की है। ये सभी फिल्में साल 2021 यानी कि इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएंगी। जी हां, संदीप और पिंकी फरार 19 मार्च को रिलीज होगी। वहीं बंटी बबली 2 23 अप्रैल, शमशेर 25 जून, जयेश भाई जोरदार 27 अप्रैल और पृथ्वीराज 5 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।